अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। आप हैं गपशप डॉक्टर सादिया और डॉक्टर समन के साथ। मैं हूं डॉक्टर सादिया, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ है मेरी प्यारी और मीठी सी दोस्त। Dr. Saman Khan, consultant child and adolescent psychiatrist. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब, आज का हमारा जो गपशप है वो थोड़ा सा हटके है। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही यादगार ड्रामा धूप किनारे के हवाले से। तो इस ड्रामे में हम देखते हैं कि ये डॉक्टर्स के बारे में है, जो इनके जो मेन किरदार हैं वो है डॉक्टर अहमर और डॉक्टर जोया। और ये इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे होते हैं, बल्कि खुद उसको करवा रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर कि वो वैक्सीनेशंस जो हैं वो दी जा रही हैं बच्चों को गांव के दूर दराज जो गांव है उधर। तो ये उस वक्त तो ये था पोलियो का, मेरा ख्याल चल रहा था ना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अगर धूप किनारे आज चल रहा होता और डॉक्टर अहमर और डॉक्टर जोया हमारे साथ आज होते तो वो क्या कहते, कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और डॉक्टर समन हमें बताएंगी कोविड वैक्सीन के बारे में। अगर डॉक्टर अहमद और डॉक्टर जोया अभी होते तो वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे होते। आजकल यही हर मुल्क में ये चल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और घबरा भी रहे हैं कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी क्यों आ गई, लेकिन हमें पता है कि वैक्सीनेशन कितनी सदियों से चल रही हैं और बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने ख़त्म भी किया है, जैसे कि टीबी होती थी, पोलियो होता था, स्मॉल पॉक्स, इन सब की वैक्सीनेशन की वजह से अब ये बीमारियाँ बहुत ही कम हो गई हैं, जहाँ 100% वैक्सीनेशंस होते हैं। इसके अंदर ये हुआ है इस दफा COVID-19 की वैक्सीनेशन जो इतनी जल्दी आ गई है वो इसलिए है कि ऑब्वियसली पिछले साल पूरी दुनिया एक तरीके से रुक गई थी। तो और ये बीमारी यानी कि बहुत ही सिवियर और तकलीफ देह थी कि इतने सारे लोगों को अफेक्ट कर रही थी और इतने लोग उससे उनकी ना इंतकाल भी हो रहा था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि सारे मुल्क और उन्होंने अपने सबने अपने पैसे लगाए कि जल्द से जल्द इसका वैक्सीनेशन निकले। लेकिन हर वैक्सीनेशन कोई भी दवा या वैक्सीनेशन को बहुत ही सख्त टेस्टिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है इससे पहले कि वो आवाम के पास आए। तो ये जो वैक्सीनेशन हैं कोविड वैक्सीन, इसमें उन्होंने वो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, वो सारी उन्होंने ट्रायल्स की हैं। नॉर्मली काफ़ी वक्त लगता है लोगों को रिक्रूट करने में, लेकिन ऑब्वियसली पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी तो उनको बड़ा आराम से बहुत सारे उनको रिक्रूट मिल गए, कोई उनको मसला नहीं हुआ। तो उन्होंने उसको बहुत ही यानी कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिवली उन्होंने उसको टेस्ट किया था और उनको बेसिकली उन्हें ये पता चला कि बहुत ही सेफ है इस्तेमाल करने में और इंशाल्लाह हमें इसको हमें प्रोटेक्शन मिलेगा इससे इंशाल्लाह। बहुत सारी उसके अंदर अफवाहें भी फैली हुई थी सादिया, है ना, और मुख्तलिफ लोग चीज़ें भेज रहे थे। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप जो अगर आप यहाँ यूके के अंदर हैं तो आप अपनी NHS गाइडेंस को फॉलो करें, उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लें, और जो आपको वैसे डिफरेंट तरीके से खबरें मिल रही हैं उनको आप इग्नोर करें, इससे कि हर चीज़ का आपको ना वो करना होती है कि वेरीफाई करना होता है ना कि सही है या गलत। बिल्कुल। तो समन, ये बताएं, आपने लगवा ली कोविड वैक्सीन? जी हम लोग तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम फ्रंटलाइन स्टाफ हैं, हम हर वक्त मरीजों को देखते हैं, तो हमें तो प्रायोरिटाइज किया था गवर्नमेंट ने, तो मुझे तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन लग गई हैं। और एज फार एज साइड इफेक्ट्स मसला तो नहीं हुआ, वही बताने नहीं, वही मैं कह रही हूँ। साइड इफेक्ट्स में जो कॉमनली बहुत ही कॉमन जो हम देखते हैं कि हल्का सा बुखार हो जाता है या फिर दर्द होता है जिस बाजू में आपको वो वैक्सीन लगी है, तो मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली दर्द हुआ था, लेकिन एक से दो दिन से ज्यादा आपको वो साइड इफेक्ट नहीं होता है। और साथ तुम्हें कैसा लगा था, तुम्हें तो मेरे भी दोनों वैक्सीन्स लग चुकी हैं और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बहुत मामूली सा दर्द और एक दो दिन के लिए रहा,
और अल्लाह का शुक्र उसके अलावा बिल्कुल ठीक। और ये कि जैसे आपने कहा कि हम हाई रिस्क कैटेगरीज में हैं क्योंकि हम NHS में काम करते हैं, मरीजों से हमारा रोज हमारा रब्ता होता है, आमना सामना होता है, लेकिन ये कि हम ये भी है ना कि हम एथनिक माइनॉरिटीज में भी हैं, ठीक है ना, जो ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है, मतलब कि जो सफेद रंग नहीं है जिनका ना, उन उनमें ये कोविड के ज्यादा रेट्स हैं और ज्यादा मतलब के फौतकी के ज्यादा रेट्स है ना, ज्यादा हाई लेवल ऑफ डेथ्स, तो इस वजह से भी हाई रिस्क में है। तो हमें हमने तो लगवा लिए वैक्सीन, लेकिन हमारी ये मतलब के दरखास्त है और हम जा रहे हैं कि हमारे नाजमीन जो है, अगर आपकी अभी नहीं लगी आप जरूर लगवाएं, जब भी आपको बुलावा आए आप जरूर लगवाएं, और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, सबको ताकीद करें कि वो भी लगवाएं, अपने आप की हिफाजत करें। और हम इंशाल्लाह हम अगर सब लोग ये मिलके करेंगे तो हम कोविड के मतलब ये जो पैंडेमिक है उसको हम इंशाल्लाह मतलब उसको खत्म कर सकते हैं, या मतलब के रेट कम कर सकते हैं, और हमारी जिंदगी जो है हम लॉकडाउन से बाहर आ सकते हैं, जिंदगी दोबारा दोबारा से शुरू हो सकती है। से शुरू हो सकती है इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, तो समन बहुत शुक्रिया, आप कुछ और कहना चाहेंगी? हमारी कोशिश है कि बस आज हम जरा नहीं, मुख्तसर रखें। बस मुझे एक और कुछ, एक दो चीजें और बस ये कहनी थी वैक्सीन के बारे में, कि उसके अंदर कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है और ये उन्होंने क्लारिफाई कर दिया है, तो इस पे कोई हराम चीज नहीं है। और बहुत सारी मजाजिद ने भी ये कहा हुआ है कि ये इसमें कोई हराम चीज नहीं है और आप लोग ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया समन। तो नाजरीन, जैसा कि हमने कहा कि अगर डॉक्टर अहमर और डॉक्टर जोया होते तो आपसे यही कहते कि आप अपनी कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं, हम भी आपको यही कहेंगे, हमारी ये आपसे दरख्वास्त होगी कि आप अपनी कोविड वैक्सीन लगाएं, और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए और अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप NHS वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, या जो भी आपके अपने मुल्क में जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सिस्टम की जो वेबसाइट्स हैं उधर आप मतलब जाके आप ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे प्रोग्राम में गपशप में आपने शिरकत की, अपने हमारे हमारी हमारा जो मैसेज है वो सुना, तो इंशाल्लाह फिर अगली बार आपके साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।